वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आज के आप एक बात होटा होटा में हमारा का चैंपियनशिप है और यही है वो टेम्पो जिसमें हम आए हैं सुबह सुबह ट्रेन में से उठकर। न्यू टेम्पो सीएनजी इसाइल ने खरीद लिया है। यहाँ पे आते अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुका है। तो चलते हैं गाइस। कहाँ पे लेके चलेगा? चलो भैया कंपटीशन में मेडल तो लगने वाला है नहीं, ये टेम्पो चलाना पड़ेगा, पैसे वसूल तो करने पड़ेंगे टिकट के। तो भाई पहुँच चुके हैं हम कोटा और यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट का लेवल का जो हम पास करके आए थे कॉम्पिटिशन पावर लिफ्टिंग का, तो हम कोटा आए हैं स्टेट का चैंपियनशिप खेलने के लिए। तो यहाँ पे देखिए नज़ारे आप कोटा के। तो वो चैंपियनशिप पे अभी पहुँचने से पहले ऐसे सफर का एंजॉय किया जा रहा है यहाँ पे। और अभी सुबह सुबह हुई है, ट्रेन से उतर के जस्ट टेम्पो में बैठ के आए हैं। मिल चुका है हमको ये वाला है, ये लिख रहा है ददीज। तो भाई सुबह के मौसम के देखो क्या नज़ारे हैं यार, यहाँ पे एकदम मस्त है ना। तो भाई यही है अपनी आज की लोकेशन, चक्कर लग सकती है हमारी मंजिल पे। ओ सॉरी, ओ माय गॉड, पैसे भी देने थे क्या? वो तो मैं भूल ही गया। चल ओके आमिर जान, स्टाफ से हैं दोनों। अच्छा ऑटो से बात नहीं छोड़ेगी यहाँ पे। पैसे निकालो, निकालो सब अपना अपना हिस्सा। गोपेश भाई शादी तो नहीं हो रही है ना अंदर? गोपेश भाई, गोपेश भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है शादी वाली लोकेशन है। इधर शादी वाली है, उधर वो है स्टे। पकड़ने के भाई पीछे की साइड लाओ, मुझे पकड़ा दो। इतने सारे बैग पकड़ने पड़ रहे हैं गाइस यहाँ पे, इनसे भी पैसे नहीं दे रहे एक टेम्पो वाले को। तो भाई ऐसी कुछ प्रकार की लोकेशन है अपनी और सुबह के मौसम में सही रहा कि हम जल्दी जल्दी पहुंच गए यहाँ पे। तो गाइस अब आपको हम ओवरव्यू देना चाहते हैं छोटा सा, ठीक है? यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे प्रकार के ऐसे आपको इधर कार पार्किंग इधर है, देखो ये रही कार भी है इसमें, देखो ये रही ये रही ये रही कार्स, ये रहा होल कार पार्किंग, इधर भी है ये कार। ये बिल्डिंग को आई चेक कर लिया है, मुझे ये हाईवे चाहिए पूरा खरीद लेना है अपन को, ठीक है? अभी मेरी जान, अभी खरीद लेंगे मेरी जान। तो भाई बाहर का कुछ ऐसा नजारा है आपको दिखाई दिया था हमने, और भी चेक कर लो आप। तो सुबह सूरज आ चुका है, तो अब बारी है रूम का टूर देने की, तो चलिए दिखाते हैं। ये ऐसा रूम मिला है हमको, यहाँ पर एक एसी लग रहा है, पर ये चलाने देंगे या नहीं चलाने देंगे वो तो फेडरेशन के ऊपर है, लेकिन रूम अच्छा मिला है, रूम एक नंबर है। ये भीलवाड़ा से अच्छे रूम मिला है वैसे अपन को देखा जाए तो। देखिए कैसे चिल मार रहा है यहाँ पे पड़ा पड़ा ये। और गोपेश भाई है, गोपेश भाई क्या कहना चाहोगे, कैसा लगा रूम? मतलब ऐसे अंदर देख के आए थे, अभी पॉटी करने गए थे, आप कैसा लगा? वो सिस्टम कैसा है उसका? पॉटी करने का आज दिखाता हूं, आज दिखाना नहीं है, पब्लिक को दिखाना है। चलो दिखाओ, चलो आप कह रहे हो ना इतनी बात तो चलो। ये देखिए क्या फ्रेश बाथरूम भाई, क्या एक नंबर व्यवस्था कर रखी है, इधर व्यवस्था पूरी साफ है एकदम, देख रहे हो? मैं खराब है करके भी दिखाता हूं। अबे साले तो करके तो नहीं देख सकते हम। गोपेश भाई तो ये कांच वाँच है यहाँ पे ऐसे कुछ, वैसे देखा जाए तो बहुत बढ़िया है, पर जने ज्यादा हो गए मेरे हिसाब से। इसके अंदर ये सुविधा जरूर है, सामान रखते हैं यहाँ पे। यस, ये तकिया क्यों छोड़ गया था यहाँ पे रखा हुआ है? तकिया वो छोड़ के गया था यार। तो भाई फटाफट से रूम को सेट कर लेते हैं यहाँ पे, देखते हैं चेंज वेंज करते हैं और थोड़ा सा घूम के आते हैं यहाँ पे क्या व्यवस्था है क्या नहीं है। भाई यहाँ पे है ना सभी को अभी मतलब एक ही बात की टेंशन है, सबका वेट ज्यादा आ रहा है, तो मेरा तो बहुत ज्यादा आ रहा है। मैं खेलने की सोच भी नहीं सकता इतना ज्यादा आ रहा है मैं तो। अब गोपेश भाई का वेट ज्यादा, गोपेश भाई बताओ क्या कितना ज्यादा वेट आ रहा है? वेट आ रहा है भाई 74.2, तो बिल्कुल वेट के पास में ही 200 ग्राम ही ज्यादा आ रहा है 200 ग्राम। और ये रास्ते में कम करने की कोशिश इतनी ज्यादा करी है ना इन्होंने, पूछो मत, कुछ खाया नहीं है कल से, बहुत कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया सबसे बड़ी बात, और मेरी फेवरेट चीज नमकीन मैंने स्किप की है भाई, और खाया नहीं है। देखो कुछ भी घर से आए हैं जब से तब जाके इतना बस, मैंने कुछ भी नहीं खाया है घर से आया हूँ जब से, ट्रेन में 6 पराठे खाए थे और
कुछ भी नहीं खाया भाई, मजाक कर रहा है। पर साहिल है ना, उसका भी वेट ज्यादा आ रहा था, 68 के आसपास आ रहा था। मैंने तो पूरी रात कुछ नहीं खाया। और इसको खेलना है 66 की कैटेगरी में, देख लो अब 68 वेट आ रहा था, इसको कम कर से चले थे। इसने कुछ भी नहीं खाया, पानी का एक बूंद भी नहीं पिया इसने अभी तक। पानी भी नहीं पिया है और कुछ खाया भी नहीं है, और वैसे ही है अभी तो। वेट दे के ही फिर जाके कुछ खाएंगे, एनर्जी बूस्ट करनी पड़ेगी। देखो बाइसेप का पंप चलेगा बेचारा, आ जाएगा वापस। अर्पित का भी यहाँ पे सिस्टम थोड़ा हैंग होगा पड़ा यार। कम से कम चड्डी में तो मत घूमो कंपटीशन में। तो भाई नहा धो के रेडी हो चुके हैं हम सब के सब। ये नहा लिया विश्राम भाई, और ये लगता है ये नहा के भी गोविंद भाई भी नहा लिया, मैं भी नहा लिया। अब वेट से ही आ रहा है ना, वेट आ रहा है 73.5। लेकिन अब ये वो कहते हैं ना सुई पे खड़े हैं, अगर इन्होंने कुछ खा लिया ना तो बढ़ जाएगा, खा भी नहीं सकते। और मतलब ऐसी सिचुएशन में अटके पड़े हैं अभी तो। अभी गोपेश भाई का तो रात में होगा, गोपेश भाई रात में होगा आपका तो। तो भाई अभी अर्पित का बॉडी वेट देने के लिए जा रहे हैं, देखते हैं। यहाँ पे तो भीड़ है बहुत सारी। अभी भाई लाइन लग रही है, यहाँ पर उधर मामला चल रहा है। तो भाई ये वो जगह है जहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होगा अपना। दो बेंच लगा रखे हैं, हाँ एक साथ दो है। ये तो लड़कियों वाला चलेगा, यहाँ पे लड़कों वाला चलेगा, ऐसे रहता है सिस्टम। ये बेंच देखो मोटी कितनी रहती है यार, ये चौड़ी ज़्यादा रहती है बेंच, अपने जिमों में लगाते हैं उससे ज़्यादा, इससे परफेक्ट आर्च बनता है। तो भाई ब्रेकफास्ट के लिए हमको ये परचेज से कुछ सिस्टम दिया, पता ही नहीं समझ नहीं आया। पहले तो नहीं देते थे ऐसा टोकन कुछ नहीं, अब वो सारे क्या स्टेट पे चेंज कर दिया ना, वो नेशनल वाला सिस्टम कर दिया, नेशनल पे होता है ऐसा। देखते हैं यहाँ पे हो रहा है कुछ। जलेबी जलेबी है और इसमें दूध है, इसमें दूध है। तो भाई हमने तो सही टाइम पे खा लिया था, अब देखो भीड़ देखो कितनी सारी हो गई, हमने तो खा लिया था। हम तो सूर भी रहे, सूर आ गया। अभी हम बाहर जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। ये अंकल जी को भी तो ले ले वीडियो में। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते अंकल। देख ही नहीं रहे अंकल तो। इन्होंने हद कर दी, बॉडी वेट इनको कम करना और डुलवा अपन को रहे तावड़े में। मतलब इतनी धूप हो रही है, सर्दी आने वाली है, फिर भी लग नहीं रहा है। बॉडी वेट कम करना है फिर भी, वो क्या नाम से जलेबी लगा रहे हैं दोनों साहिल और गोपेश भाई। हां यार बताओ, अभी कम भी नहीं हो रहा उनका वेट। चोट होगी हम तो यही सोच के आए थे की 5-6 बार खाएंगे। मैं सोच रहा था की गोपेश भाई और साहिल को दिखा दिखा खाऊंगा, एक ये ले लिया एक ये ले लिया फिर दोबारा ले लिया। अब हमको पता है कैसे करना पड़ा था, दूसरों की प्लेटों में चोर चोर के किसी का दूध पी लिया, किसी की जलेबी खा ली, किसी का ढोकला खा लिया, ऐसे करना पड़ा है। पता नहीं कहाँ गायब हो गए वो, पर लेकिन पेट नहीं भरा। देख भाई हाँ, अब जाके मुझे तो कुछ खाना है, सच बताऊँ पेट ही नहीं भरा, बाहर से खाना पड़ेगा कुछ। तो ये पता नहीं कहाँ डोलने में लग रहे हैं, दिख रहे हैं क्या आप? क्यों करते उधर हो रहे वो जा रहे पता नहीं कहाँ पे। अभी देखो इधर आए हो, मतलब मैं अभी इतनी दूर से चला के हमको यहाँ पे लेके आए हो, बताओ। मार्केट तो उधर ही रहेगा पीछे, हमको हमारी क्यों डाइजेस्ट करवा रहे हो? तो फिर ब्लॉग में इसको सुना दो ये क्या कह रहा है, और कोई विशाल का बैंड विशाल की याद दिला दी भाई। ये बिल्डिंग है जिसमें हम रुके हैं अभी, और यहाँ पे हमको ये डुलवा रहे हैं गोपेश भाई, और ये धूप में देखो यार कितनी ज्यादा धूप है। क्या करें यार, नारियल पानी पीने हैं, वेट कम करने के चक्कर में एक तो धूप में डोलो, फिर ऊपर से केले फ्रूट्स वगैरह लेते हैं ना, उनके लिए इतने दूर आए हम। कम से कम 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से ज्यादा ही है। सुबह आए थे ना अपन यहाँ पे, और इससे तो देखो सुबह तो हम टेम्पो से गए थे, अब जाके हम पैदल आए हैं। देखो
इतने दूर चलते चलते पता नहीं था ना कहाँ पे जाना है। ये फाइनली हमको एक ठेला मिला है, पर इस पे मेरे को नारियल लग रहे हैं। कोई सा ही ले लूँ, बड़े में पानी ज्यादा है छोटे में? तो बड़ा ही दे दे यार, मलाई भी आएगी। 50 रुपए का ना भाई। अभी पीऊं कौन? अभी कौन ले रख ले रखूं या मलाई? कितने रुपए का है? 50। यार भाई यार, स्टाफ का आदमी होकर भी यार क्या यार ऐसे बातें कर रहा है तू? है तो यार हमारे, चल 50 के 2 लगा दे, ज्यादा नहीं तो लगा दे यार भाई। यार सारे बिकवा दूंगा भाई तेरे भाई। अभी तुझे पता ही है ये गार्डन में ही गार्डन है मेरे तो। इसमें भाई बार्गेनिंग तो देखो इसकी, तेरे सारे बिक जाएंगे अभी 1 घंटे में। तेरा घर बिक जाएंगे है? ये सारे बिक जाएंगे, घर के लिए नहीं बोला। नारियल पानी पीना पड़ेगा मेरी जान। हम भी तो पियेंगे भाई। कहे कटवा ले जाओ, मनाई अंदर आवे मैं। क्या देते शुरू में? अभी निकाल के दिया था ना, अभी हम मलाई वाला दिया था। भाई नारियल पानी तो आ चुका है अपना। इसमें भाई का कहना है कि इसमें मलाई भी मिलेगी इस वाले नारियल पानी में, चेक करते हैं भाई। ये अपन को तो मिल चुकी है मलाई इसमें। ये चम्मच है? अरे 50 रुपया कर दो, तुम मत खाओ, तुम मान दे देख। है ना जोरदार, पागल है एक नंबर। नेता नेता हर कोई कहता तीसरी मंजिल पर है छोटा। और इसके आगे, इसके आगे क्या है? इसके आगे ही बोल सकते हैं, पब्लिक समझ गई, ऑटोमेटिक समझदार है। राम किलो तो भाई अर्पित का नंबर आ चुका है अपने। प्रम दोसा खिलाड़ी मैच में तैयार हो गई, खिलाड़ी तो आपके सामने क्रॉस कर ही जाएगी, पट्टी बैट नीचे मार दी जाए। खिलाड़ी बेंच से नीचे तैयार हो गए जा रहे हैं, जो भी नॉट कर दी जाएगी। तो भाई साहिल की 135 सब जूनियर में 66 में 135 लगाई थी, और 35 फेल हो गई। रिकॉर्ड लिफ्ट थी साहिल की, और अब तक किसी ने नहीं मारी। अब भाई का नंबर है 74 की कैटेगरी में। बार ऑफ चल रहा है इधर, उड़ा के आनी है लिफ्ट। गोपेश भैया अच्छे मारे मुझे।
एक लिफ्ट कोपिश भाई के पहले ही चुकी है, दूसरी पास करनी है। कौन सा लगा है उनका मेडल लगवा के हम बाहर आ चुके हैं घूमने के लिए, क्योंकि तो शाम का मौसम काफ़ी मस्त हो गया। अभी मैं दिखाता हूँ, देखो मौसम है ना एकदम मस्त। अब बताओ कैसा मौसम हो गया। तो अभी इन लोगों ने, हमने तो खा लिया था खाना दिन में, इन लोगों ने खाना नहीं खाया था दिन में, तो इनको खाने के लिए ले जा रहे हैं। इसके पेट में पता नहीं क्या हो गया गुरुदेव के, में हम तो चिल रहे एकदम, अपन को जेलना भी नहीं है भाई, नहीं भी खाते ना तो भी जेल रहते हैं, तो भी जेल रहते हैं एकदम। पता नहीं क्या यार, पता नहीं इनके क्या हो गया भाई, गुरुदेव की गुरुदेव की क्या क्या तो खाते रहते हैं, आजा बोलते हैं इनके, इसलिए तो इसको पेट में। और गोपिश भाई और वो साहिल तो पता नहीं कहाँ पे चले गए, हमको छोड़ के कह रहे थे कुछ खा के आएंगे पर मिल नहीं रहे, उनको ही ढूंढ लेते हैं पहले। भाई वो वीडियो का एंड करना हम भूल गए थे रात वाली का, तो अब सुबह हो चुकी है तो उस वीडियो को एंड करते हैं। और जो कि मेडल सेरेमनी वगैरह होगी, जिसको मेडल वेडल मिलेगा, तो वो आज का दिन है, तो आज एक जो पांच कैटेगरी वगैरह का कंपटीशन भी होगा, जो कि आपको अगली वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। वो भी बहुत मस्त शूट करने वाले हैं, उसमें दिखाएंगे कि हम एक्सप्लोर करेंगे ये कोटा को, वो कैसा कोटा है, कैसे क्या सीन है यहाँ पे, कैसे लोग आ गए, मतलब क्या क्या घूमने की जगह है वो दिखाएंगे ज़्यादातर तो। और कॉम्पिटिशन होगा वो भी दिखाएंगे थोड़ा बहुत। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बने रहें हमारे साथ इसी वीडियो के साथ, इसी चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।